जब वो वीर विक्रमाजीत दामोल नगरी में सैर कर रहा था तो अचानक खांडेराव परी के महल के सामने पहुंच गया। महल के ऊपर खड़ी हुई वो खांडेराव परी अपने केस सुखा रही थी। काफी देर हो गई वीर विक्रमाजीत को खांडेराव परी को देखते हुए, लेकिन वीर विक्रमाजीत की खांडेराव परी से नजर नहीं हटती है। तो नू क्या लगी कि आका देख बटे वो मूर्ख, अरे ठोकर लागे पावड़ के और खांडेराव परी ने मानस लाखा गिर दिए गड़के। तेरे जैसे कितने आते और कितने जाते, मैं किसी को देखती भी नहीं हूँ और ना किसी की कदर ना किसी की परवाह करती हूँ। प्रेमी श्रोताओं, इतनी बात वीर विक्रमाजीत के चुभ जाती है और वापस जैसे ही अपने महलों में गए तो उदास देखा रानी रतन कौर ने की पियाजी के बाद कि आज खांडेराव परी ने ताना मारा है और उस खांडेराव परी का घमंड तोड़ना है, शादी करूंगा। नू क्या लगी पियाजी, अगर आप खांडेराव परी से शादी करना चाहते हो पहले मेरी बात मान लीजिए कि शादी करने का कोई फायदा नहीं होगा, और अगर करना ही चाहते हो तो मैं आपकी शादी खांडेराव परी से करवाऊंगी। शादी का प्रस्ताव लेकर वीर विक्रमाजीत खांडेराव परी के पास जाते हैं और जब शादी का जिक्र सुना तो नू क्या लगी, शादी तो मैं कर लूंगी लेकिन मेरी शर्त है। शर्त? और कौन कौन सी शर्त है? आइए यहाँ से शुरू करते हैं। क्या कहती है खांडेराव परी? सहज पाठे कोंगी कदे बाज के तेज बिछाऊना, सहज सहज पाठे कोंगी कदे बाज के तेज बिछाऊना, हर तेरे आराम करण की खातिर सतरंज सहज बिछाऊना, पिलंग गलीचे मैं तेरी कदे करके हेज बिछाऊना, पिलंग गलीचे सरफी कणी मणी ते खाली जेब टटालो ना, मोरी सरफी कणी मणी ते खाली जेब टटालो ना, हर
शहर सिंगर के ने तेरी जो बन झाड़ झटोलो ना सो मेरे लेस पाप का जुनसा पहले बोलेगा वो असल बाप का कोन्या जुनसा पहले बोलेगा वो जो वीर मर्द की हुआ करे से इसी को भाट करूं कोन्या वीर मर्द की हुआ करे से इसी को भाट करूं कोन्या और पहर सिंगर कहने तेरे हाजिर गात करूं कोन्या लक्ष्मी चंद पैज की पूरी कद पहला बात करूं कोन्या लक्ष्मी चंद पैज की पूरी